राजस्थान, भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान से आने वाले एक बड़े नेता गजेंद्र सिंह शेखावत जी के ऊपर एक जांच चल रही है संजीवनी घोटाले पर। गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने हमारे मुख्यमंत्री पर एक मानहानि का मुकदमा दिल्ली की एक अदालत में दायर किया है। राजस्थान में किस तरह से कोविड के दौरान हमारे एमएलएस को खरीदकर चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश भारतीय जनता पार्टी ने रची थी, उसकी भी जांच चल रही है। तो ये कहना ठीक नहीं होगा कि जांच नहीं हो रही, जांच हो रही है। और किसी को भी अगर शिकायत है तो उन्हें हमारे वहां महासचिव जो हैं, प्रभारी महासचिव, उनके संज्ञान में लाना चाहिए। लेकिन जांच शेखावत जी के पर जो जांच हो रही है उसके विषय में पहले भी मैंने खुद यहां प्रेस वार्ता करके आपको बताया था, हम ना केवल जांच कर रहे हैं, आपको समय समय पर बता भी रहे हैं कि वो जांच कहां तक पहुंची और आने वाले कुछ महीनों में आपको और भी जानकारियां मिलेंगी। उस पे जो एआईसीसी की तरफ से वक्तव्य आना था वो कल आ चुका है, आप सबके पास पहुंच गया था। उसके अलावा उस पर आज कुछ कहना उचित नहीं होगा। रही बात जांच की, वो मैंने आपको बता ही दिया कि हर पहलू पर जांच हो रही है, ना केवल संजीवनी घोटाले पर हो रही है, लेकिन जो साजिश रची गई थी एक चुनी हुई सरकार को गिराने की, उसमें भारतीय जनता पार्टी के कौन कौन नेता शामिल थे, उनके तार कहां कहां जुड़े हुए हैं, हर पहलू पर जांच हो रही है। संगठन जांच नहीं करता, जांच का काम एजेंसियों का होता है। तो संगठन से अगर आप उम्मीद करते हैं कि संगठन जांच करेगा तो माफ कीजिएगा, ये कांग्रेस का संगठन है, भारतीय जनता पार्टी में ऐसा होता होगा, ये स्पाईवेयर में आपको बता ही रहा हूं। तो हमारे यहां ऐसे स्पाईवेयर नहीं होते कि भाई मैं मांग कर लूं कि संगठन जांच कर ले और फिर संगठन ऐसा स्पाईवेयर लगाए, ये कहीं और होता है, कांग्रेस में नहीं होता। हमारे प्रभारी महासचिव संपर्क में रहते हैं, निरंतर संपर्क में रहते हैं, हर नेता के संपर्क में रहते हैं राजस्थान के, वो जो चर्चा उन्हें करनी होगी, जो विचार विमर्श उन्हें करना होगा, इनसे भी करेंगे, कर रहे हैं, और विचार विमर्श के पश्चात जो उत्तर उन्हें देने होंगे इन सवालों के उत्तर वो जरूर देंगे।